वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिग के जलमहल। तो अभी हम लोग ऑटो में हैं, फिर ऑटो से हम लोग बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड से हम लोग बस पकड़ेंगे, फिर हम लोग डिग के जलमहल पहुंच जाएंगे। ये भरतपुर से 35 किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब बस में बैठ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जलमहल के एंट्री गेट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर टिकट मिलती है, हम यहाँ से टिकट ले रहे हैं। ये है अंदर का व्यू। ये देखिए जलमहल का जल, हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वाह कितना सुंदर है। ये है जलमहल का जल, हम यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। हमारे पापा तो यहाँ पर बैठते थे जब पापा की स्कूल ट्रिप थी। पापा बता रहे थे पापा यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, यहाँ पर बैठ रहे थे। और देखते हैं, घूमते हैं, शायद ऊपर का रास्ता, मतलब वो पैरट। वाओ, ग्रीन पैरट। ये यहाँ पर म्यूजियम है। अब हम लोग म्यूजियम में जा रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अभी टिकट चेक करेंगे कि आपके पास है या नहीं। यहाँ से एंट्री है म्यूजियम की। फ्रेंड्स, हम लोग पहले वाले म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं और अभी उन्होंने बताया है कि अभी दो म्यूजियम और हैं, तो देखते हैं। और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, तो अभी हम लोग सब चीजें घूमेंगे। अभी हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं।
देखिए ये है मंदिर। फ्रेंड्स अगर कोई इस फल के बारे में जानता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमें तो नहीं पता। ओ गॉड, ये देखिए एक पेड़ है जिसपे कितने सारे बैट टंगे हुए हैं उल्टे, आपको दिख रहा होगा ये पंख फैला रहे हैं अपने। ओ गॉड देखो एक में अभी फैलाया ना, आपको ऐसे बहुत सारे कितने सारे कम से कम। ओ देखो ऊपर मधुमक्खी का छाता भी है, छत्ता जो भी कहते हैं। 20-30 सौ आराम से होंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने भरतपुर से बस पकड़ ली है आगरा के लिए। अभी हम लोग बस में बैठे हुए हैं, फिर हम लोग आगरा चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आप देख सकते हैं ये है नंद भवन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पापा और अलीना ठहरी है। यहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं। ये ये लोग जमाने के चलते उनकी अब लाइट है जैसी बढ़िया हो रही है बल्ब से हैं। लाइट ऑफ है। नहीं मैं नहीं होती है। वाह और ये ऊपर इतनी लाइटें इतनी बढ़िया हैं, ऐसा रहा हम तो यहाँ से जमाने का महल बना दिया है, 5-star होटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा है। यहाँ पे पहले लोग यहाँ पे लड़ाई कुश्ती चढ़ा करते थे। और ये चारों कोने पे मीनार।